दोस्तों हस्त महतून करने पर, संभोग करने पर या स्वपन दोष करने पर यह का लोस होता है, जिसके कारण सिर के ऊपर या सिर की गुद्दी पर भारीपन महसूस होता है, थकावट महसूस होती है, रोगी बिस्तर पर पड़ा रहता है या फिर मानसिक परेशानियां आती है, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, रोगी का दिल ज़्यादा धड़कता है, रोगी उदास रहता है, हताश रहता है। सेक्सुअल वीकनेस से रिलेटेड परेशानियां रोगी को आने लगती हैं। ऐसे रोगी को एसिड फोर्स बहुत ही इफेक्टिव रहती है। दोस्तों रोगी को पहले मानसिक कमजोरी आती है, फिर शारीरिक कमजोरी आती है। शुरू शुरू में एसिड फोर्स के पेशेंट में मस्तिष्क दुर्बल होता है, यानी मानसिक परेशानियां, मानसिक कमजोरी रहती है, शरीर सही रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे शारीरिक कमजोरी भी बढ़ने लगती है जब मानसिक कमजोरी ज़्यादा हो जाती है। पेशेंट को इतनी कमज़ोरी महसूस होने लगती है कि शरीर से वह परेशान रहता है, चलने से परेशान रहता है, शारीरिक श्रम उससे नहीं हो पाता है। जहां तक मन की बात करें तो मानसिक कार्य भी उससे नहीं हो पाते हैं। रोगी अखबार भी नहीं पढ़ सकता है, अपने घर वालों के या रिश्तेदारों के नाम भूलने लगता है। दोस्तों रोगी माइंड से इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो आसानी से कैलकुलेट भी नहीं कर पाता है, उसका मन बहुत ही ठंडा पड़ जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में जो यूरिन बार बार आता है उसमें फॉस्फेट की मात्रा अधिक रहती है, जिसके कारण यूरिन में सफ़ेदी भी आती है। पेशेंट को खांसते हुए और बोलते हुए अपनी छाती कमज़ोर महसूस होती है। दोस्तों रोगी की टांगें भी कमज़ोर रहती हैं, सही से चल भी नहीं पाता है पेशेंट। दोस्तों रोगी के खाने की इच्छा जो रहती है वो गर्म खाने की, जूस पीने की, दूध पीने की या पानी पीने की ज़्यादा रहती है। रोगी को कॉफ़ी, वाइन, बियर और अल्कोहल की इच्छा नहीं रहती है। तो एसिड फोर्स और भी काफ़ी सारे रोगों में काम आती है, जैसे नसों की दवा होती है, नसें कमज़ोर होने पर इस दवाई को देना चाहिए, यानी नर्वस सिस्टम बिगड़ने पर इस दवाई को दिया जाता है। दोस्तों अगर इस दवाई के गाइडिंग सिम्टम्स मिलते हो तो पेशेंट को नींद भी अच्छी आती है और उसके स्वपन दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। रोगी को बाल झड़ने की अगर परेशानी हो वो भी ठीक हो जाती है। उंगलियों में जो खुजली होती है, जोड़ों के बीच कई बार खुजली हो जाती है, उसमें भी आराम मिलता है। स्कूल जाने वाली लड़कियों में जो सिर दर्द होता है उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है ये दवाई खाने से। दोस्तों इस दवाई की एग्रावेशन और एम्बलोरेशन की बात की जाए, यानी परेशानी कब ज़्यादा बढ़ती है और परेशानी में कमी कब ज़्यादा आती है, एग्रावेशन यानी लक्षण कब बढ़ते हैं, पेशेंट को वीर्य का डिस्चार्ज ज़्यादा होने पर परेशानी ज़्यादा बढ़ती है, हस्त महतून ज़्यादा करने पर परेशानी रोगी को ज़्यादा आती है, पेशेंट को शोक और दुख आने पर परेशानी अधिक होती है, किसी नौजवान का अगर ब्रेकअप हो गया हो तो भी परेशानी पेशेंट को ज़्यादा आती है, पेशेंट अगर घर से बाहर हो तो उसे घर जाने की इच्छा बनी रहती है, यानी होम सिकनेस पेशेंट में रहती है, पेशेंट को ठंड और ठंडी हवा से परेशानी ज़्यादा होती है। रोग में कमी यानी एम्बलोरेशन की बात की जाए तो गर्मी से रोग में कमी आती है, पेशेंट को सोने से आराम मिलता है यानी नींद से आराम मिलता है। दोस्तों एसिड फोर्स या होम्योपैथी की किसी भी मेडिसिन का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, यानी दवाई खुद से नहीं लेनी चाहिए, दवाई डॉक्टर की सलाह लेकर ही खानी चाहिए। इसके लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर इलाज ले सकते हैं। दोस्तों ये एसिड फोर्स का सेकेंड पार्ट है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें।